एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो सभी बहुत डरे हुए थे क्योंकि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। सारे पक्षी एक जगह पर इकट्ठा हुए। उन्हें डर था कि यदि बारिश ज्यादा हुई तो सभी के घर पानी में डूब जाएंगे। दोस्तों, हम सब पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें पता चला है कि 2-3 दिन में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है और बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आने वाला है। हम सभी को अपने अपने घर मजबूत करने होंगे। तोता भाई, हम 2 दिन में अपना घर कैसे मजबूत कर पाएंगे? हमें तो लकड़ियां इकट्ठा करने में ही 1 हफ्ता लग जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमारे पास कुछ लकड़ियां इकट्ठा हैं। अब इनका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। हम सबके घोंसले के नीचे कुछ लकड़ियां डाल देते हैं और तुम लोग अपने अपने घोंसले पक्के कर लेना। सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ चल पड़े। मैं क्या करूं? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मुझे घोंसला बनाना भी नहीं आता। टिंकी मासी, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना आपके साथ। हम दोनों मिलकर अपना घोंसला बनाएंगे। नहीं नहीं बबली, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं देख लूंगी क्या करना है मुझे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही थी। सारे पक्षी लकड़ियों का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद तोते लकड़ियां लेकर आ गए और उन्होंने सभी घोंसलों के नीचे लकड़ियां डाल दी। टिंकी और बबली लकड़ियां लेने के लिए आ जाती हैं। उन दोनों से पहले कालू और भूरा कौवा लकड़ियों के पास पहुंच चुके थे। आ गए दोनों। काम के समय तो दोनों गायब रहते हैं और जब प्रसाद बट रहा होगा तो पहले ही हाजिर हो जाते हैं, मतलब ही कहीं के। अरे टिंकी, इन लकड़ियों पर सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, इन पर हमारा भी अधिकार है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। ये लकड़ियाँ सिर्फ 3 घोंसलों के लिए ही हैं और इनमें से मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगी। तुम तीनों में से किसी एक को दूसरी लकड़ियों के पास जाना पड़ेगा। टिंकी मौसी, ये झगड़ने का समय नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपनी लकड़ियां किसी को नहीं दूंगी। टिंकी मौसी, कालू सही कह रहा है, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। हम एक घोंसले में 2-2 लोग रह सकते हैं। कालू और भूरा एक साथ रह सकते हैं। नहीं नहीं बबली, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कालू, तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर कालू और बबली अपना घोंसला बनाने लगते हैं। शाम तक उनका एक मजबूत घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर कालू और बबली टिंकी मौसी का भी घर बनवा देते हैं। कालू भैया, हमें नहीं लगता कि बारिश 4-5 दिन रुकने वाली है। हमें भोजन का इंतजाम भी करना होगा। फिर दोनों ने अनाज का इंतजाम भी कर लिया। भूरा कौवा और टिंकी मौसी आराम से अपने घरों में सोते रहे। रात में सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, तभी तेज बारिश के साथ एक तूफान भी आ गया। पूरी रात जैसे तैसे निकल गई। अब सुबह हुई। भूरा कौवा आराम से सो रहा था। पानी उसके घर के अंदर भर गया। अरे अरे, ये क्या, इतना पानी कैसे भर गया? थोड़ी ही देर में उसका घोंसला पानी में बह जाता है। वो टिंकी मौसी के घर के पास आ जाता है। टिंकी मौसी, दरवाज़ा खोलो, मेरा घर पानी में बह गया है। टिंकी को कौवे की आवाज़ सुनाई तो दे रही थी, पर वो उसे सुनकर भी अनसुना कर रही थी। अब वो बबली के घर के पास आ जाता है। बबली, कालू, दरवाज़ा खोलो, मेरा घर पानी में बह गया है। बबली बोली, आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो तीनों अंदर आ जाते हैं। तभी अचानक टिंकी मौसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे बचाओ बचाओ, बबली, कालू, कोई तो बचाओ मुझे। अरे कालू भैया, लगता है टिंकी मौसी किसी मुसीबत में है, हमें उनको बचाना होगा। नहीं, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं भूरा, ऐसी बात नहीं है, हमें किसी भी मुसीबत में फंसे हुए की मदद जरूर करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। कालू कौवा घर से बाहर आ जाता है।
उसने देखा कि टिंकी मौसी पानी में बहती जा रही है। कालू टिंकी मौसी को पानी से बाहर निकाल लाता है। थोड़ी ही देर में टिंकी का घर भी पानी में डूब जाता है। उस घोंसले के साथ साथ भूरा कौवा भी पानी में डूबने लगता है। कालू भैया, हमें भूरा कौवा की भी मदद करनी होगी, उसे भी बचाना होगा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बचाऊंगा। कालू भैया, अभी आपने ही तो कहा था कि मुसीबत में हमें सबकी मदद करनी चाहिए, फिर वो चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ठीक है, बचाता हूँ। कालू जाकर भूरे कौवे को बचा लेता है। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। अब भूरा और टिंकी मौसी कालू और बबली से माफ़ी मांगते हैं और चारों एक अच्छा सा घर बनाकर एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।